Hey guys, so there is one thing that I want to talk about that अगर आपका पास्ट में कोई ग्रजेस अपने ट्विन के साथ रहे हैं या आपको लगता है आप दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं, वजह चाहे जो भी हो, तो इट इज़ द राइट टाइम कि आप उनको माफ़ कर दो और ख़ुद को भी माफ़ कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको मैसेज करके माफ़ी मांगनी है, आप उनसे माफ़ी मांग सकते हो टेलीपैथिकली भी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप टेलीपैथिकली उनसे माफ़ी मांगोगे तो वो माफ़ कर देंगे। तो डेली रूटीन का ये बना के रखो, अगर आपको लगता है कि आपको अपने ट्विन को माफ़ करना है या ख़ुद को माफ़ करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ ही इंटरकनेक्टेड होती हैं और फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ट्विन की तरफ, क्योंकि उन्होंने जो करा वो आपको ट्रिगर करने के लिए, अवेकन करने के लिए, इनर वर्क करने के लिए पुश करा। तो ये आप करोगे आपको बेटर फील होगा, एनर्जी आपकी बॉडी में से ब्लॉकेजेस जो आपकी बॉडी में क्रिएट हुए हैं वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होंगे आपकी बॉडी में से, और आपको रिलीफ मिलेगा अंदर से और आपके ट्विन को भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपके हार्ट चक्रास कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने पहले बात की, आप लोग कॉस्मिक लवर्स हो, डिवाइन लवर्स हो, तो आपके जो चक्राज हैं वो भी कनेक्टेड है, आपके हार्ट चक्रा कनेक्टेड हैं, आपके थ्रोट चक्रा कनेक्टेड है, हर एक चक्रा आपका आपस में कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप अपने ट्विन से माफ़ी मांगोगे टेलीपैथिकली और उनको बोलोगे कि आपको भी माफ़ कर दे, तो वो आपकी बॉडी में से एनर्जी ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिलीज़ करेगा और हेल्प करेगा आपके ट्विन को भी कहीं ना कहीं इस जर्नी में आगे आने के लिए, यूनियन में अहेड जाने के लिए। तो आई होप गाइस दिस हेल्प्स।